अक्सर लोगों को लगता है कि महिलाएं सेक्स से बचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना लेती हैं। इस बात पर कई तरह के जोक्स भी बनते रहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार सेक्स से जुड़ा सिरदर्द कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। लोयोना यूनिवर्सिटी शिकागो स्ट्रिच स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोलॉजी विकास के MD जोस बिलर ने न्यूरोलॉजी लाइव को दिए इंटरव्यू में इससे जुड़ी कई अहम जानकारी दी है। प्रोफेसर बिलर का कहना है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कई लोगों को सिर दर्द महसूस होता है। ये लोग डॉक्टर से इस बारे में बात करने से झिझकते हैं और डॉक्टर भी आमतौर पर उनसे इस बारे में बात नहीं करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा सिर दर्द हल्के में लेकर तेज तक महसूस हो सकता है। ये बेहद दर्दनाक और डरावना भी हो सकता है। ये सिर दर्द झेलने वाले के साथ साथ उसके पार्टनर के लिए भी बहुत निराशाजनक हो जाता है। सेक्स से संबंधित सिर दर्द। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़े सिर दर्द को 3 भागों में बांटा है। एक दर्द जो सिर और गर्दन में उत्तेजना से पहले शुरू होता है और उत्तेजना बढ़ने पर और भी तेज हो जाता है। दूसरी तरह का सिर दर्द बहुत तेज होता है जो इंटरकोर्स के दौरान शुरू होता है और कई घंटे तक रहता है। इस तरह का सिर दर्द अचानक से होता है और उसे सिर के पिछले हिस्से में एक भयानक दर्द होता है। वहीं तीसरी तरह का सिर दर्द सेक्स के बाद महसूस होता है कि भी हल्के से लेकर बेहद दर्दनाक हो सकता है। इस तरह का सिर दर्द खड़े होने पर ज्यादा महसूस होता है और पीठ के बल लेटने पर इसमें आराम मिलता है। प्रोफेसर बिलर के अनुसार पुरुषों को महिलाओं की तुलना में यौन गतिविधियों से जुड़े सिर दर्द होने की संभावना 3 से 4 गुना अधिक होती है। सिर दर्द किस तरह का है इसके आधार पर दवाई ली जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर हर दिन एक्सरसाइज करने और हेल्दी वजन बनाए रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा शराब और स्मोकिंग की मात्रा बिल्कुल कम करने से भी आराम मिलता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।